हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इकबाल आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्लास पेंटिंग फ्रेम किस तरीके से की जाती है। मैंने रिसेंटली जो पोस्ट किया था ग्लास पेंटिंग पार्ट वन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लास पेंटिंग किस तरीके से की जाती है। अब पार्ट सेकेंड में आज आपको बताने वाला हूँ ग्लास पेंटिंग को फ्रेम किस तरीके से किया जाता है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ग्लास पेंटिंग को किस तरीके से फ्रेम करते हैं, कौन सा उसमें बैकग्राउंड लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, तो उस बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। काफी टिप्स ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ग्लास पेंटिंग को फ्रेम करते टाइम। तो किस तरीके से फ्रेम करनी है इस वीडियो में आज आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पेंटिंग 24 आवर्स के बाद प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुकी है, तो एक बार मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके की लगती है। तो देखिए किस तरीके की ग्लॉसी फिनिशिंग आ रही है, काफ़ी शाइनिंग है इसमें और आप इसको टच भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको फील होगा जब आप ग्लास पेंटिंग करेंगे। तो अब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको फ्रेम करना है, जो इसका सही तरीका है फ्रेम करने का। तो आप इसको फ्रेम कैसे करेंगे, जैसे अब आपने वाइट बेस रख रखा है इसमें, आप चाहें तो वाइट बेस में भी इसका जो बैकग्राउंड वाइट कलर का है उसमें भी आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। जिस हिसाब से देखते हैं कि आप हाईलाइट आपकी पेंटिंग हो रही है, तो आप वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप ग्लिटर शीट भी लगा सकते हैं, तो जो शाइनिंग वाली ग्लिटर शीट आती हैं आप वो भी लगा सकते हैं। चाहें तो आप वाइट बैकग्राउंड, अगर आपको देखिए आप फोटो में आपको दिख रहा होगा कि वाइट बैकग्राउंड में कितनी हाईलाइट हो रही है हमारी पेंटिंग, तो इस तरीके से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। अब ग्लिटर शीट हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास एक ग्लिटर शीट ये वाली है, जिसमें आप देखिए इसमें ग्लिटर ऊपर से लगा हुआ है जो हाथ में लग जाता है, तो कुछ इस तरीके की ये शीट होती है। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही इसका इफ़ेक्ट आएगा बैकग्राउंड में, तो उसके लिए मैं दूसरी ग्लिटर शीट यूज़ करूँगा। इसमें सिर्फ A4 साइज़ अवेलेबल होता है, A3 साइज़ का नहीं आता है, लेकिन ये शीट आप इसमें देखिए तो इसमें स्पार्कल आपका हाथ से नहीं लगेगा, और इसमें कई सारे शेड्स भी आते हैं जो आपकी पेंटिंग के ऊपर जो ज़्यादा सूट करे आप वाला इसमें ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, कई सारे इसमें शेड्स आते हैं, तो कुछ इस तरीके की शेड्स हैं, देखिए गोल्डन है, सिल्वर है, ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ब्लू कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, ब्राउन शेड आ गया, ये सब ग्लिटर शीट हैं। और इसमें देखिए ये आपका हाथ में नहीं लगता है, जिस हिसाब से ये जो ग्लिटर शीट है ये आपके हाथ में आएगी, ये झड़ेगा भी और आपके मिरर में भी लगेगा, तो उसमें आपको शायद एक बार को वो चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि आपका इससे मिरर भी आपका थोड़ा सा अलग अलग गंदा भी दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें A3 साइज़ नहीं आता है, इसमें सिर्फ A4 साइज़ आता है, तो इसकी अगर हम A3 साइज़ में अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे 2-3 पीस की इसमें ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसके लिए भी मेरे पास अलग से एक्स्ट्रा है सिल्वर में, तो मैं वो अब लगा के दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से लगाना है। तो अब मैं आपको इस पर बेस इसका रख के दिखा देता हूँ कि आपको पेंटिंग आपकी किस तरीके से इसमें लुक अच्छा आ रहा है। इसमें लगेगा आपका या तो वाइट लगेगा बैकग्राउंड पेंटिंग में, या फिर आपका सिल्वर लगेगा, तो ये तो फिलहाल मैं अभी रिजेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही ओवर शाइनिंग है। नॉर्मल शाइनिंग में, फिनिशिंग में यही आपका पेपर ग्लिटर अच्छा लगेगा। तो देखिए एक लुक आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेम करके दिखाऊंगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी पेंटिंग उभर के आ रही है, यहाँ पे भी जो आपका ग्लिटर की जो शाइनिंग है वो आपके पेंट में भी शो हो रही है, अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो आप क्लोजअप लुक देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से देखिए शाइनिंग आएगी, और आपकी जो पेंटिंग है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होके आएगी जब आप इसको फ्रेम करेंगे। फुल आपका बैकग्राउंड सिल्वर में होगा तो काफ़ी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी आपकी, और लेकिन आपके डिपेंड करता है आपकी पेंटिंग कौन कौन सी है, कौन सा अगर आप कलर कर रहे हैं उसमें आप सिल्वर भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं, जो कई सारे शेड्स मैंने आपको दिखाए तो आप वो भी शेड्स लगा सकते हैं। तो जो भी हम ग्लास पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्लिटर पेपर ही लगाएं, उसमें डिपेंड करता है कि आपकी पेंटिंग किस तरीके की है, कौन से कलर की है, और उस पर कौन सा बैकग्राउंड उसमें अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कॉटन कलर का ब्लैक क्लॉथ भी लगा सकते हैं, इस तरीके का कपड़ा भी आता है जो ये पेंट का कपड़ा भी कहते हैं, तो आप वो भी क्लॉथ लगा सकते हैं। आप चाहें तो वाइट क्लॉथ भी लगा सकते हैं, इस तरीके का वाइट कपड़ा भी आता है, तो अपनी पेंटिंग में आप बैकग्राउंड में ये भी लगा सकते हैं, या फिर आप कैनवास भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके के जो कैनवास आते हैं तो कैनवास भी आप इसमें बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। आपको एक तो चीज़ें आपको बैकग्राउंड में सूट देखनी पड़ेंगी, सूट करना पड़ेगा कि कौन सी आपकी पेंटिंग में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं,
तो इस चीज़ में जल्दबाजी अपने बैकग्राउंड में ना करें। जब भी आप पेंटिंग बनाते हैं तो टाइम लगता है, तो उसको बैकग्राउंड में आप जल्दबाजी ना करें। कई सारे शेड्स आप उसमें लगा के देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से ही कई सारे शेड्स लगा के देखे थे, जिसमें मैंने फाइनल करा था सिल्वर ग्लिटर पेपर का, जिसमें मुझे सिर्फ यही अच्छा लगा था। तो अब इसको मैं किस तरीके से लगाता हूँ, इसमें जैसे साइज़ छोटा आता है, तो इसको मैं आपको 3 पीस में लगा के दिखाऊंगा, और उसके बाद फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लुक कितना अच्छा आता है। तो कुछ इस तरीके का जो फ्रेम है, तो इसमें हम फ्रेमिंग करेंगे, और उसका जो पीछे बैक से जो बोर्ड आता है ना, तो उसी में ही हम ग्लिटर लगाएंगे। तो ग्लिटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके की जो ग्लिटर शीट आती हैं, ये स्टिकर वाली होती हैं। आप पीछे से इसको इस तरीके से खोल सकते हैं और आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जो पीछे का जो MDF बोर्ड है, मैं इसी में ही ये ग्लिटर शीट पेस्ट करूँगा। जैसे ये A4 साइज़ है और हमारा जो फ्रेम का जो साइज़ है वो A3 है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें पेस्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक अगर पेस्ट कर दी, उसके बाद सेकंड ये, और थर्ड वन जो बच रहा है यहाँ पे स्पेस, उसमें मैं हल्की सी कटिंग, तीसरे जो ग्लिटर शीट है उसकी कटिंग मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है, इसमें मैंने 3 जॉइंट लगाए हैं, तो जो फ्रेमिंग के बाद और भी नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फ्रेम करना है। तो जो हमने इसमें ड्रॉ किया था, जिस तरफ से हमने पेंटिंग करी थी, ये चीज़ जो अभी ऊपर है, जब आप फ्रेमिंग करेंगे तो फ्रेम करते टाइम आपको ये चीज़ पलट लेनी है। जो आपका जो डिज़ाइन है, जहाँ आपने पेंट किया था, वो चीज़ आपकी पेंटिंग के अंदर आनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके की आपकी पेंटिंग आएंगी, ये आपका यहाँ से प्लेन हो गया है। लेकिन जब आप फ्रेमिंग करें, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपने जिस तरफ से ड्रॉ किया हुआ है, तो पहले आप उसको ग्लास को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई आप ब्रश ले लीजिए या फिर नैपकिन ले लीजिए, उससे आप क्लीन कर सकते हैं। जो कोई अगर कुछ डस्ट हो तो वो आपकी पेंटिंग में ना आए और वो चीज़ निकल जाए। अब मैं आपको उसमें फिटिंग करके दिखाता हूँ फ्रेम में। अब इस फ्रेम में मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। अब जो आपका जहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपका, वो चीज़ अंदर आएगी, उसे आप अंदर ले लीजिए। और बहुत ही आपको ध्यान से करना है, ताकि शीशा इधर उधर से ब्रेक ना हो, तो काफी केयरफुली आपको ये वर्क करना है। तो इस तरीके से ये फ्रेम अंदर फिट हो चुका है। तो एक बार और इसको आप क्लीन कर लीजिए। जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं थोड़े से। अब हमने जो ये ग्लिटर पेस्ट किया था बोर्ड में, उसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। बाद में आप इन पिनों को बंद कर लीजिए। तो ये देखिए फाइनल लुक पेंटिंग का। अब आपकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है सिल्वर ब्लैक बैक में, तो आपकी पेंटिंग काफ़ी हाईलाइट हो रही है। देखिए ब्लैक फ्रेम हो गया, वाइट सिल्वर आपका बैकग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपकी जो पेंटिंग है, फ्लावर्स हैं काफ़ी, देखिए कितने हाईलाइट हो रहे हैं और कितनी ब्यूटीफुल लग रहा है आपका। तो कुछ इस तरीके से आप इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं। ग्लिटर अगर आप बैकग्राउंड लगाते हैं तो उससे आपकी पेंटिंग कहीं ज़्यादा और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इस तरीके से आप ग्लिटर का भी वर्क आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, जिससे आपकी पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है इस सिल्वर बैकग्राउंड से। तो जब भी आप फ्रेम करें, तो उसमें दो चार आप बैकग्राउंड जरूर टेस्ट कर लीजिए कि उसमें आपकी पेंटिंग में कौन सा ज़्यादा आपका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे आपकी पेंटिंग ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो इस चीज़ का आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, ग्लास पेंटिंग जब भी आप करें कि
कि उसमें ग्लिटर वर्क अच्छा लग रहा है, किसी में क्या होता है कि कपड़ा अच्छा लग रहा है, वो क्लॉथ होता है या कैनवास होता है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग पेंटिंग्स में। तो जैसे मैंने फ्लावर्स पेंटिंग करी है तो उसमें मैंने ग्लिटर वर्क लगाया है, जिससे जितना भी जो फ्लावर का जो वर्क आ रहा है उसमें भी आपको ग्लिटर का आपको लुक दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे जो कलर है वो ग्लिटर के ही कलर है। तो जो नॉर्मल मैंने ग्लास कलर करे हैं उसी से ही ग्लिटर से ही सारा लुक आ रहा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से मैं वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।